नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। तो इस वक्त हम दिल्ली के सीपी पे मौजूद हैं। तो सीपी तो आप सभी जानते होंगे, अगर हम बात करें आज दिल्ली के मौसम ने अचानक करवट ली है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं मेरे पीछे जोरदार बारिश होती हुई यहाँ पर नजर आई है। सुबह से ही आज झमाझम बारिश होती हुई दिल्ली में नजर आ रही है। ये सीपी का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन से राहत मिलती हुई तो जरूर नजर आएगी। जैसा कि AQI लेवल की अगर हम बात करें तो कल दिल्ली के AQI लेवल की बात की जाए तो करीब 362 से ऊपर ये AQI लेवल बताया जा रहा था। और आज की तस्वीरें आपको दिखाएं तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि धुंध तो नजर आ रही है, लेकिन बारिश की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को पॉल्यूशन से थोड़ी बहुत राहत तो मिल सकती है। तस्वीरें हमारे, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि ये तस्वीरें लोगों तक पहुंचाएं। इस तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि धुंध है, बारिश हुई है जोरदार। कल देखना होगा क्या आखिरकार लोगों को पॉल्यूशन से राहत मिलती हुई नजर आएगी। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि पिछले कई दिनों से अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन से दिल्ली की जनता बेहद परेशान है। इसको लेकर के सरकार की तरफ से भी तमाम कोशिशें की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सरकार को फटकार लगाई गई है कि पॉल्यूशन को लेकर के आपको कोई सख्त डिसीजन लेना होगा। ऐसे में पहले भी स्कूल्स को बंद कर दिया गया था, फिर एक बार स्कूल को चालू किया गया, स्कूल रीस्टार्ट हुए, लेकिन बावजूद उसके सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है और उन्होंने कहा है कि इसको लेकर के आपको कोई ठोस कदम उठाना होगा। तो आज ही आपको बता दें कि एक बार फिर से जो स्कूल्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। तो क्या बारिश के बाद दिल्ली की जनता को राहत मिलेगी और बच्चों की जो पढ़ाई प्रभावित हो रही है पिछले 1.5 साल से, क्या उससे लोगों को राहत मिल पाएगी? ये बड़ा सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहा है। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बारिश के बाद लोगों को पॉल्यूशन से राहत मिलेगी। सबसे पहले आपका क्या नाम है? अफसर आलम। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि पिछले लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को फटकार भी लगाई गई, क्या इस बारिश के बाद दिल्ली की जनता को राहत मिलेगी? इंशाल्लाह जरूर मिलेगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये राहत ही राहत है, इंशाल्लाह मिलेगा जरूर। बिल्कुल, तो इनका कहना है कि राहत मिलेगा। अब आपसे भी जानने की कोशिश करते हैं, आपका क्या नाम? दिलीप नाम है मेरा, दिलीप कुमार। तो क्या आपको भी प्रदूषण की वजह से तमाम परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है? हाँ जी, परेशानियों का तो झेलना पड़ रहा है, लेकिन ये इससे बहुत राहत मिली है, जो आज बारिश हुई है ना उससे बहुत लोगों को राहत मिली है। अच्छा, और बच्चों की पढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है, स्कूल्स को बंद कर दिया गया, इसको लेकर के आप क्या कहें? जी, मैं तो यही कहूँगा कि स्कूल तो खुलने चाहिए, हफ्ते में 2 दिन खुल रहे हैं सिर्फ, लेकिन कम से कम 5 दिन तो खुलने ही चाहिए। आज ये फैसला है कि कल से स्कूल बंद रहेंगे, क्या इस केजरीवाल सरकार का जो ये फैसला है इसका आप समर्थन करते हैं? नहीं, समर्थन तो नहीं करूँगा जी, मैं चाहता हूँ कि स्कूल खुलने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई पे बुरा असर पड़ता है, फिर उनका स्वभाव ही फिर गिरता जाता है मतलब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम और लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज दिल्ली में जो बारिश हुई है इससे जनता को पॉल्यूशन से राहत मिलने वाली? बहुत राहत मिलेगी। और वहीं आज अगर हम बात करें बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, तो आज एक बार फिर से फैसला सामने आ गया है कि कल से दिल्ली में स्कूल सारे सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहने वाले हैं, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? स्कूल तो बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं। स्कूल बंद हो जाएगा तो छोटे बच्चों पर बहुत फर्क पड़ेगा, यहाँ तक कि शिक्षा स्तर बहुत नीचे जा रही है हमारी हिंदुस्तान की। अच्छा, केजरीवाल सरकार से आप खुश हैं या नाराज हैं, क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल फिलहाल तो ठीक हैं, मोदी से तो अच्छे हैं, उनकी कार्य से खुश है मतलब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हेलो जी, आपका क्या नाम? अर्पिता। आपसे जानना चाहेंगे कि आज दिल्ली में जो बारिश हुई है क्या लगता है आपको पॉल्यूशन से लोगों को राहत मिलेगी? या आई डोंट थिंक सो कि पॉल्यूशन से लोगों को राहत मिलेगी। दिल्ली की जनता को पॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि अभी इवन मैं भी अगर आती हूँ तो बहुत बार तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फिर आँख में जलन हो रही है, बहुत 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 बुरा हाल है यहाँ, और ऊपर से मास्क। और हाँ, मतलब ऐसा होता है कि अगर वॉक भी करने जाओ तो हालत बुरा ही है यहाँ पे जी। और इसके साथ ही बात करें तो बच्चों की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है, स्कूल्स को फिर बंद कर दिया गया, आज ही ये ऐलान आया है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से तो अभी स्कूल्स बंद ही कर रखने पड़ेंगे जब तक कि पोल्यूशन का थोड़ा निवारण कुछ मिलता नहीं है,
पर ये है कि बच्चे बार 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 बहुत ज़्यादा वो अनस्टेबल हो जाता है, तो प्रभावित तो हो ही रहा है। दिल्ली सरकार को कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई हो रही है? सच्ची बोलूँ तो यार बच्चों को क्या ही समझ आता है पढ़ाई के लिए। और स्कूल में फिर भी 1-to-1 आप देख सकते हो, और ऑनलाइन में वो भी चीज़ें पॉसिबल नहीं रहता। चलिए, तो हमने तमाम लोगों से बातें करी हैं, उनका यही कहना है कि शायद इस बारिश के बाद दिल्ली की जनता को राहत तो मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो बच्चों की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि स्कूल कब खुलने जा रहे हैं, क्योंकि आज ही ये फैसला निकल कर सामने आया कि कल से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।